मंगलवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर दिल्ली की धर्मनगरी अशोक विहार में गणपति बप्पा की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में जुटे और बप्पा का आशीर्वाद लिया। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु नाचते गाते बप्पा के रंग में रंग नजर आए। ये गणपति गणेश महोत्सव समिति का 13वां साल है जो हम बड़े धूमधाम से ये उत्सव मना रहे हैं और हर साल इसी तरह हम धूम शोभा यात्रा निकालते हैं और लगातार जो है 9 दिन जो है भजन संध्या, सायंकालीन भजन संध्या होती है, सुबह सवामणि की पूजा होती है। इसी तरह सब समाज हिंदू सारे समाज मिल के ये बड़े धूमधाम से अभी अवसर मनाते हैं और इसमें सब मिलकर सबका योगदान रहता है। हर वर्ष की तरह पप्पा इस बार भी हमारे यहाँ आए हैं। 10 दिन हम बप्पा की सेवा करते हैं, फिर बप्पा को विदाई देते हैं और बप्पा आशीर्वाद देके जाते हैं कि अगले बरस मैं फिर आऊँगा, तब तक आप फलो फूलो और मेरे को याद करो और मेरा अनुष्ठान करते रहो। इसीलिए कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। बिल्कुल, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू फिर से आ। अशोक विहार में ये बप्पा का नारा सार्थक साबित होता है क्योंकि हर साल अशोक विहार में इसी तरह बप्पा आते हैं, सभी को आशीर्वाद और आशीष भी देते हैं। गणेश जी महान कृपा से सब स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब उनके साथ में हम लोग चार जने जुड़े। सबसे पहले मैं जुड़ा, उसके बाद भी 3-4 लोग और जुड़े। हमने स्टार्ट करते हुए 13 साल हो गए, एकदम भविष्य में प्रोग्राम होता है, सब भगवान की प्रभु कृपा है, सब लोग जुड़े इसमें, बहुत जुड़े। पहले एक था, उसके बाद में 3 हो गए। अच्छा प्रोग्राम होता है, अच्छा होता है, सब अंदर मन महाशिव भगवान की पूजा करते हैं, नाचते गाते हैं, आते नाम लेते हैं। ये हमारा 13वां उत्सव है, इसमें क्या जितने भी हमारे जो श्रद्धालु हैं अशोक विहार के, ये हमारा एक फैमिली प्रोग्राम चलता है 13 दिन तक, 10 दिन तक फैमिली प्रोग्राम है। आज सुबह शोभा यात्रा है और फिर 28 को समापन है। इसमें हमारे कोई कलकत्ता से भजन गायक, कोई जयपुर से और कोई दिल्ली से, सब जगह से हमारे भजन गायक आते हैं जो 10 दिन तक हमारी फैमिली को बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ ये गुणगान हम मनाते हैं। ये हमारा सारा पारिवारिक सम्मेलन है। हर साल की तरह बड़े धूमधाम से गणपति महाराज का गमन हुआ है और बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है, हर साल की बात ही। इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? बस प्रभु आए हैं और ये झांकी और गणेश जी की तैयारी बड़े हर्ष और उल्लास से नए तरीके से करी है। आपको बता दें कि अशोक विहार की गणेश महोत्सव समिति पिछले 13 सालों से बप्पा का स्वागत और उत्सव धूमधाम से करते आ रहे हैं। यही वजह है कि अशोक विहार के लोग बप्पा का हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा।
बप्पा के रथ पर विराजमान है तो बात करते हैं क्या कहेंगे। बप्पा हर साल आते हैं, अशोक विहार वासियों को आशीर्वाद देते हैं और ये कृपा बरसाते हैं कि कुछ दिन ऐसे मिले कि बप्पा की सेवा पूरे अशोक विहार वासी कर सके। देखिए, अशोक विहार एक धर्म नगरी है, शायद ही कोई ऐसा त्यौहार फेस्टिवल हो जो अशोक विहार में ना बनता हो। और पप्पा हर साल आते हैं और जिस हर्षोल्लास के साथ में आते हैं। बहुत घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे गणपति बिठाए हुए हैं। मेरी अपनी बिटिया इतने प्यार से, क्योंकि ये बच्चों के भगवान हैं, हमारे हनुमान जी हो गए, गणेश जी हो गए, ये बच्चों के भगवान, इनमें बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है और जब ये रहते हैं उतने दिन इतना इमोशनल घर में माहौल रहता है। वैसे भी पूजा पाठ रोज होती है लेकिन इन दिनों एक इमोशनल माहौल होता है और जब जाते हैं तो वो दुख भी होता है। सबसे पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी कृपा सब पर बनी रहे और हर साल की भांति इस साल भी अशोक विहार में त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज शोभा यात्रा से उसकी शुरुआत हो रही है और 9 दिन यह त्यौहार चलेगा और साल की भांति धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी भक्त आकर यहाँ आशीर्वाद देंगे और मैं भगवान गणेश जी से ही प्रार्थना करूँगा सभी की मनोकामना पूरी। हर बार इतना बढ़िया निकालते हैं, ये हर बार मैं इनके साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े हुआ हूँ। 12 साल से तो मैं इनके साथ बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। गणेश जी की डेली हर रोज एक गायक अलग आता है और शाम का खाना भी वही होता है, सुबह का भी आता है। गणेश महोत्सव समिति और उनकी पूरी टीम दिन रात बप्पा की सेवा में अग्रसर रहती है। इसे देखकर साफ होता है कि इस संस्था में ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, यहाँ सब बप्पा के सेवक हैं। बहुत ही अशोक विहार वालों की तरक्की के लिए बाबा जी हमारे यहाँ पर आए हैं और ये अशोक विहार वालों का सौभाग्य है कि आज गणपति बप्पा पहले ही दिन उन्होंने विराजमान हो गए हैं अशोक विहार में आकर के। ये हम सबका भाग्य है, सौभाग्य है और ऐसे वाले उत्सव जो है होते रहने चाहिए, इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए। आजकल जो जमाना है सनातनियों का, सनातन हमें धर्म को चारों ओर फैलाने का, तो उसके लिए ये इस तरह की परंपरा, इस तरह के रीति रिवाज बहुत जरूरी हैं। बहरहाल जिस तरह से अशोक विहार में बप्पा का आगमन हुआ है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी गणपति अशोक विहार में खुले हाथों से खुशहाली बांटने वाले हैं। डिंपल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली। Yeah.